पी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। मुजफ्फरपुर शहर स्थित ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में दो व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार ब्रह्मपुत्र थाना क्षेत्र के ज्ञानलोक मोहल्ले में पति पत्नी को घर में घुसकर अपराधियों ने हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस, एसएसपी सिटी, एसपी, पूर्व एसडीओ एवं नगर डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस बल घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के संबंध में मृतक का बड़ा भाई ने बताया कि अचानक थोड़ी देर पहले जब वह कोर्ट में था तो सूचना मिली और जब आकर देखा पति और पत्नी की हत्या हो चुकी थी। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। मृतकों की पहचान अजय कुमार व उसकी पत्नी के रूप में हुई है। मुजफ्फरपुर से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। क्या है इंसिडेंट डिटेल सर? ब्रह्मपुरा थाने के संजय सिनेमा के पास में दो बुजुर्ग दंपति की घर में उनके किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार करके हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत देर तक एफएसएल, डॉग स्क्वाड सब कुछ तो कारण समझ में आना चाहिए थी। अभी तक के हम लोग फैमिली मेंबर्स से संपर्क में हैं और उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो क्राइम ऑफ सीन देख के लग रहा है कि मुख्य दरवाजे से ही जो भी व्यक्ति है उसे अंदर एंटर किया है और उसके बाद में ये इंसिडेंट हुआ है। तो फैमिली मेंबर्स में घर में जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों से बातचीत करने के बाद ही हम लोग आगे किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और उसी अनुसार से एफआईआर करते हैं। सराउंडिंग सीन्स वगैरह, खाना पीना बना क्या कुछ ऐसा कुछ समझ में आया? अभी तक के जो क्राइम ऑफ सीन हम लोगों को नजर आ रहा है उस हिसाब से ये लगता है कि इंसिडेंट कल की रात के बाद में हुआ है। घर में कुछ खाने पीना रात का नहीं बना, ना मॉर्निंग में कोई चीज़ बनी है। तो ऐसा लगता है कि कल शाम के बाद में 8 बजे के बाद में हुआ है। बाकी एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मोबाइल वगैरह कुछ घर से 2 मोबाइल अभी तक के नहीं मिले हैं और दोनों कल शाम से ही स्विच ऑफ आ रहे हैं। इसमें आगे स्कूटी घर में एक स्कूटी थी जो कि बरामद हुई है, पुलिस ने उसे बरामद किया है और उसको भी हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे। वो जो भी हैंडलर है हम लोग उसमें आगे पूछताछ कर रहे हैं। एफएसएल टीम से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और उन लोगों ने भी कई हम लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो इन्वेस्टिगेशन का आधार बनेगा। चैलेंज दे रहा है टाइम ऑफ जैसा भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें पुलिस लगातार केस बाय केस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हर केस को जो है उसके अपने नेचर के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो उसी अनुसार काम कुछ टाइम फ्रेम सर किसी तरीके का कोई पुलिस की जितनी भी टीमें हैं लगातार अपना काम करेंगी और जो भी है हम लोग कोशिश करेंगे सारे जो भी केस है केस को जल्दी से जल्दी खुलासा कर लिया। मैं कचहरी में था तो 12:15 बजे हमको इस घटना की जानकारी हुई। हमारे छोटे भाई अजय बाबू के घर में घटना घट गई है, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद हम मोटरसाइकिल पर अपने जूनियर सरोज बाबू का लेने चलिए डेरा, इसका डेरा है तभी तो क्लास भी गई। कई लोग कह रहे हैं रोड से सिर को वकील साहब प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है मामला, क्या लग रहा है देखने से? लूटपाट का भी लग रहा था, लूटपाट का मामला है। परिचित लोगों ने किया, घर तो कोई परिचित खुलवाया होगा? हाँ घर परिचित। अच्छा क्या क्या गायब है कुछ पता है? जिसका इनके यहाँ आना जाना था, अक्सर आना जाना था, उन्हीं लोग सामान वगैरह क्या क्या गायब है? स्कूटी और नहीं कर सकते, स्कूटी भी नहीं आगे स्कूटी है वो नहीं देख रहा है। क्या 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 सर क्या नंबर नीचे का नंबर? सरोज कुमार शर्मा नाम हुआ भाई उनके। क्या अशोक बाबू अजय बाबू थे? रुको ना हम आते हैं।